नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। जिस समाज में नवरात्रा के मौके पर कुवारी कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी समाज में कुछ ऐसे भी हबसी भेड़िए हैं जो अपनी हवस का शिकार नाबालिग बेटियों को बनाते हैं। जी हां, वह शब्द है बलात्कार, जिस शब्द को लिखने में कलम रुक जाती है। लेकिन समाज के ऐसे भी दरिंदे हैं जिन्हें शर्म नहीं आती है। मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में हुए गैंगरेप की। आज उस मामले में न्यायालय ने सजा सुना दिया है। जानकारी के अनुसार हम आपको बताते चले कि नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में पिछले 16 सितंबर 2019 को 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ सात दरिंदों के द्वारा दरिंदगी की जाती है, गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है और वह भी मामला दब जाता है। इतना ही नहीं, इन दरिंदों के द्वारा घटना का वीडियो भी बनाया जाता है और वीडियो को कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो 25 सितंबर 2019 को नालंदा पुलिस सक्रिय होती है। मीडिया में खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है। इस घटना में संलिप्त 7 आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। उन 7 आरोपियों में मिथुन राजवंशी, रंजन राजवंशी, आशीष राजवंशी, राहुल कुमार, करण राजवंशी, सोनू कुमार और राम कुमार हैं। ये सभी 7 आरोपियों के द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी पहाड़ पर की जाती है और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। मामला न्यायालय में चला जाता है, न्यायालय में संज्ञान लिया जाता है मामले का। अधिवक्ता मामले की दलील को सुनते हैं, केस को बेहतर तरीके से लड़ते हैं और अंजाम तक आज इन्होंने इस केस को पहुंचा दिया है। तो आप हमारे पास 4 अन्य लोगों को भी देख रहे हैं, इनका मैं आपको परिचय करा दूं। हमारे बाएं साइड नवीन कुमार हैं जो पीड़िता के अधिवक्ता हैं, और उनके बगल में जो पीले रंग का टोपी पहने हुए हैं उनका नाम है संजीव कुमार। जो नवीन कुमार पीड़ित के अधिवक्ता हैं उनके वो सहयोगी अधिवक्ता हैं। वहीं हमारे जस्ट दाहिने साइड राजेश पाठक जो किशोर न्याय परिषद के सहायक अभियोजन पदाधिकारी हैं, जस्ट इनके बगल में सुशील कुमार विशेष लोक अभियोजक पॉस्को के स्पेशल हैं। तो इन सबों से हम जानेंगे कि किस प्रकार से इस घटना को आप लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया, क्योंकि इन दरिंदों के द्वारा, इन रेपिस्टों के द्वारा बचने के लिए काफी तिकड़म का भी इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, राजनेताओं की भी पैरवी की गई थी। उन राजनेताओं का नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि हमारी भी कुछ गोपनीयता होती है। तो सबसे पहले हम नवीन जी के पास पहुंचेंगे क्योंकि ये पीड़िता जो थी उसके अधिवक्ता हैं, और इनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से उस मामले को आप चुनौती के रूप में लिए और उसको लड़ा न्यायालय में और आज मुकाम तक पहुंचाया। सबसे पहले हम आपको यह जानकारी दे दें कि जो 7 रेपिस्ट हैं, जो 7 दरिंदे भेड़िए हैं, इन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है और साथ साथ 5,000 रुपये जुर्माना की राशि का भी सजा हुआ है। इतना ही नहीं, जो 2 इन आरोपियों में 2 लोग थे जिनके द्वारा वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया, उन्हें 3 साल की सजा अतिरिक्त सुनाई गई और दोनों सजाएं एक साथ चलेगी। तो हम चलते हैं अब नवीन कुमार के पास, पीड़िता के ये अधिवक्ता हैं। इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से इस घटना को आप संज्ञान में लिए और आज मुकाम तक पहुंचाया है। आप नवीन जी, बताया जाए। केस दर्ज होने के बाद इस केस की पीड़िता की माँ पिताजी हमसे संपर्क किया
और अपने केस के बारे में, वो केस देखने के लिए न्यायालय में पैरवी करने की बात कही, उसको मैंने स्वीकार किया। घटना यह थी कि दिनांक 16/9/2019 को सुबह करीब 7 बजे पीड़िता अपने घर से कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए राजगीर के लिए निकली थी। रास्ते में उसका एक मित्र मिल गया जिसके साथ वो पहाड़ पर घूमने के लिए चली गई। बिपलाचल गृह पहाड़ है, जो एक गांव है छोटा सा, लेलिन नगर राजगीर के पास है, उसके जस्ट सटे हुए हैं। वहाँ पर जब जाती है घूमी, एक जगह बैठे हुए थे, तो इस केस के सातों आरोपी पीड़िता को और उसके दोस्त को पकड़ लिए। पीड़िता के साथ छेड़छाड़ किया, दोस्त ने विरोध किया, उसके साथ भी मारपीट किया और उसी के सामने पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और उसका अपने मोबाइल सेट से वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। तत्पश्चात FIR दर्ज की गई और केस की सुनवाई हुई। टोटल 19 गवाह इस केस में परीक्षण कराए गए, उसमें हमारे विशेष लोक अभियोजक महोदय और अन्य पुलिस पदाधिकारियों का काफ़ी सहयोग रहा। आज सेंटेंस के बिंदु पर न्यायालय में सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान सातों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 376D, 506 तथा पास्को एक्ट की धारा 4(6) और IT एक्ट की धारा 66(67A) के तहत दोषी पाया गया था। IPC और पास्को एक्ट की जो धारा है उसमें सभी अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा दी गई न्यायालय के द्वारा, और अलग से IT एक्ट की धाराओं में उनको 3 साल की सजा। प्रत्येक अभियुक्तों के विरुद्ध 5,000 रुपये के जुर्माने का निर्धारण किया गया और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की साधारण कारावास की सजा न्यायालय द्वारा सुनाई गई। केस सुनवाई के दौरान अभियुक्तों ने कानून का जो मुलायमियत है, जो रिफॉर्मेटरी सिस्टम है, जो लचीलापन है, उसका नाजायज लाभ लेना चाहा। सभी अभियुक्त व्यस्क थे, लेकिन वो नाबालिग, अपने आप को नाबालिग कहे न्यायालय के समक्ष, और उनकी बातों को मानते हुए विशेष न्यायाधीश महोदय ने जिस अभियुक्त ने दावा किया कि मैं नाबालिग हूँ, हाँ, तो उनका केस वहाँ किशोर न्याय परिषद नालंदा में ट्रांसफ़र किया गया। वहाँ उसका ड्यू इंक्वायरी हुआ और वहाँ के अभियोजन पदाधिकारी जो थे केस को अच्छी तरह से देखे, अभियुक्तों का सशरीर निरीक्षण किया, जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत आता है, उसके तहत उनका दावा गलत पाया गया और मूल कोर्ट में वापस गए और ट्रायल फेस किए और उसका पनिशमेंट आज अवार्ड किया गया है। यहाँ फिर हम नवीन जी आपके पास आएंगे, क्योंकि समाज के लिए एक चुनौती हो गया है ये घटनाएं जो हैं, तो फिर मैं आपके पास आऊँगा। अब हम चलते हैं किशोर न्याय परिषद के सहायक अभियोजन पदाधिकारी राजेश पाठक के पास, और इनसे हम जानेंगे कि 4 आरोपी राहुल, सोनू, रंजन और करण, ये किशोर का फायदा लेना चाह रहे थे। इतना ही नहीं, इनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र भी न्यायालय में पेश किया गया था, जिसमें सफेदपोश के समर्थन की बात भी आई, नाम बताना उचित नहीं होगा, लेकिन कोर्ट में किस प्रकार से ट्रायल हुआ वो हम
सारी बातें आपको विशेष सहायक अभियोजन पदाधिकारी राजेश पाठक जी से बतवाएंगे कि क्या वहाँ मामला हुआ, किस प्रकार से सर आपके न्यायालय में। देखिए, इस घृणित अपराध में किशोर न्याय परिषद में 4 किशोरों के विरुद्ध मामला आया, और किशोर न्याय परिषद में जिसमें से 2 ने स्कूल का प्रमाण पत्र दिया था जिसमें अपने को नाबालिग बताया था, और 2 अभियुक्तों ने आधार कार्ड में जन्मतिथि के आधार पर अपने को नाबालिग बताया था। लेकिन हमने एक लड़के का जो दूसरे स्कूल का प्रमाण पत्र था उसके आधार पर चुनौती दी गई, और बोर्ड से ये कहा गया, किशोर न्याय परिषद से कहा गया कि इनके एज के बिंदु पे मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए और मेडिकल बोर्ड से इनका ये कराया जाए कि कितना इनका एज है, वास्तव में कितना एज हो रहा है, क्योंकि जो प्रमाण पत्र था उसमें कुटरचना की गई थी, है ना, ओवर राइटिंग की गई थी। और स्कूल के शिक्षक को जब बुलाया गया तो स्कूल के शिक्षक के रजिस्टर जब देखी गई तो उसमें वो गलत पाया गया, कुटरचना की गई थी उसमें। तो ऐसी स्थिति में जो प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी JJB के हैं उनसे आग्रह किया गया कि इस पर मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए, तो मेडिकल बोर्ड में ये मामले को भेजा गया, 4 के विरुद्ध मेडिकल बोर्ड बैठा, और मेडिकल बोर्ड में 4 किशोरों को बालिग घोषित की गई, सबकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर 19-20 वर्ष के लगभग उसमें दिया गया। इन 4 ने जब पूछा गया टीचर से तो टीचर ने कहा कि हमसे लिखवा लिया गया था क्योंकि स्कूल नौकरी वोकरी इसको मिल जाएगी, इसलिए रजिस्टर में नाम इसका प्रमाण पत्र बना दिया गया था, है ना, उसमें और किसी का संरक्षण प्राप्त होगा उन किशोरों को, लेकिन इन लोगों ने इस तरह से तिकड़म की कि किसी तरह से हम अपने को नाबालिग घोषित कर दें और सजा से बच जाएं। देखिए, होता क्या है कि किशोर न्याय परिषद में हम लोग किशोरों को, क्योंकि ये एक्ट जो है JJ एक्ट, ये किशोरों के पक्ष में ही है, उसके साथ गलत न हो इसलिए ये विशेष अधिनियम बनाया गया है। और ऐसे मामले में जहाँ घृणित अपराध किशोरों के द्वारा किया जाता है, मर्डर किया जाता है, रेप किया जाता है, किडनैपिंग किया जाता है, तो ऐसे मामले में बोर्ड भी सजग रहता है, और हम अभियोजन पदाधिकारी का भी ये रोल है कि हम लोग सजग रहें और ऐसे मामले में इनको गलत रूप से बचाव न लेने दें। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने इस पर प्रमाण पत्र की जाँच की और इस तरह से इनका एज असेस करके 19-20 साल इनका जो आया मेडिकल बोर्ड से, तब फिर हम लोगों ने आग्रह किया बोर्ड से कि इस मामले को फिर से मूल कोर्ट में भेज दिया जाए। यानी ये जितने भी आरोपी आपके पास आए थे आपके बोर्ड में वो सभी व्यस्त थे, सभी व्यस्त थे, चारों व्यस्त थे, हाँ चारों व्यस्त थे, केवल बचाव के लिए इतना तिकड़म इनके द्वारा रचा गया, केवल अपने को बचाने के लिए इस तरह से उन लोगों के द्वारा तिकड़म की गई थी, और चारों को व्यस्त घोषित किया गया बोर्ड के द्वारा, मेडिकल बोर्ड के द्वारा, और फिर JJB से रिकॉर्ड को मूल कोर्ट में भेज दिया गया। और आज बहुत खुशी हो रही है हमें कि इस वाद में इन लोगों को आजीवन कैद की सजा हुई और पीड़िता को वास्तव में न्याय मिला, पीड़िता को मुआवजा भी दिया गया 10 लाख रुपए का, उसको शायद मुआवजा भी इसमें दिया गया है। और किसी भी, देखिए, घृणित अपराध में मुआवजा पैसे से तय नहीं किया सकता, ये सच्चाई है। सही बात है सर, पैसे से किसी मुआवजा ये तरह से अपराध का हाँ नहीं किया जा सकता, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस मामले में न्याय मिला, पीड़िता को न्याय मिला, और क्या उसकी मनोदशा रही होगी, उसके परिवार की क्या मनोदशा होगी इतने दिनों में, जब तक ट्रायल चला हम लोग सोच सकते हैं, हम लोग सभ्य समाज के नागरिक हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि उसके परिवार वालों की क्या मनोदशा होगी और उस लड़की की क्या मनोदशा होगी। तो मूल कोर्ट यानी ADJ सप्तम, ADJ 7 जिसे हम कहते हैं, उनकी अदालत में यह मामला पहुंचा क्योंकि वो पॉस्को स्पेशल जज हैं। तो विशेष लोक अभियोजक पॉस्को के जो हैं सुशील कुमार, उनसे अब हम सारी बातें करेंगे कि किस तरह से इसे आज अंजाम तक पहुंचाया गया, किस प्रकार से एक पीड़ित बेटी को इन भेड़ियों से न्याय मिला। नमस्कार, इसमें दिनांक 20/11/2019 को सभी आरोपितों के विरुद्ध आरोप का गठन किया गया। इसमें धारा 376D /34/506 IPC के अंतर्गत एवं 4/6 POXO Act तथा 66E एंड 67A
आईटी एक्ट के तहत आरोप का गठन किया गया। आरोप गठन के बाद इसमें टोटल 19 गवाहों की गवाही करवाई गई। इसमें स्पीडी ट्रायल के पदाधिकारीगण का ही बहुत बड़ा सहयोग रहा कि समय समय पर न्यायालय में गवाह को उन लोगों ने प्रस्तुत किया, उसके आधार पर गवाही हम लोगों ने पूरा करवाया और फिर मामला बहस पर आया। बहस पर इसमें डिफेंस की ओर से भी काफ़ी बहस की गई, तरह तरह के अपना बचाव के अपने अपने दिए गए, इधर का कानून उधर का कानून सब दिया गया, कई केस लॉज के, हाँ, हवाला दिया गया, सब केस का लॉज का हवाला दिया गया। इसके बाद फिर हम लोगों ने भी इसका प्रत्युत्तर दिया और उसके बाद फिर जब कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि नहीं, ये सभी लोग जो है आरोपित हैं, दोषी हैं, 9 जनवरी दिनांक 9 जनवरी 2021 को सभी सातों अभियुक्तों को दोषी न्यायालय के द्वारा दोषी पाया गया और सजा के बिंदु पर आज के दिन रखा गया था 13/1/2021 को, और 13/1/2021 को ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटेंस इसका बहस हुआ और सभी अभियुक्तों सातों अभियुक्त को 376D फोर पॉक्सो एक्ट एवं 6 पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा 66E 67A आईटी एक्ट के तहत दो अभियुक्त सोनू कुमार और राहुल कुमार को अलग से 3-3 साल का सजा सुनाया गया और सभी सजाएं एक साथ चलेगी। इसके अलावा 5,000 रुपया प्रत्येक अभियुक्त को अर्थदंड के रूप में दिया गया, अगर वो अर्थदंड जमा नहीं करेंगे तो सभी को 6-6 महीना का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। इस सजा के बाद आपको किस प्रकार अनुभूति हुई? ये सजा होने के बाद कम से कम समाज में, शहर में ऐसा मैसेज जाएगा या गया है कि इस तरह का कांड, जघन्य अपराध को लोग करने से बचेंगे और जो भी घूमने पर्यटक स्थल, राजगीर पर्यटक स्थल है, वहाँ घूमने जाते हैं, खौफ बना रहता है लोगों में कि हमारे साथ कब क्या हो जाए। इस तरह के फैसला होने से वहाँ के पदाधिकारी लोग भी और ये जो पर्यटक लोग भी हैं उन लोग में भी ये भावना रहेगी कि नहीं, अब हम लोग सुरक्षित हैं, इस तरह की घटना करने वाले को सजा न्यायालय के द्वारा पर्याप्त रूप से सजा दिया जाता है। अब हम चलते हैं सहयोगी अधिवक्ता, पीड़िता के सहयोगी अधिवक्ता संजीव कुमार के पास, क्योंकि इनका भी काफ़ी योगदान रहा इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने में, इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने में इनका पूरा योगदान रहा है। तो इस सजा को आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आज समाज काफ़ी, समाज में बदलाव हुआ है और आप इस केस के सहायक अधिवक्ता रहे हैं। ये जो आज सजा निर्धारण किया गया है हमारे माननीय जज महोदय के द्वारा, एक समाज में एक मिसाल कायम करेगा कि आगे इस तरह की कोई भी घटना करने से पहले कोई भी हो, हम हो आप हो, एक बार सोचें, क्योंकि इस जो घटना है, इस घटना को में न्याय स्पीडी ट्रायल के द्वारा और हमारे विशेष लोक अभियोजक सुशील भैया, जगत नारायण सिन्हा जी, हमारे JJB के जो अभियोजन पक्ष थे पाठक सर, सबका सब बहुत अच्छा सहयोग मिला है, ताकि प्रशासनिक सहयोग भी इस केस में मिला। इस कारण से इस केस का स्पीडी ट्रायल जल्दी, कुछ कोरोना के कारण डिले हो गया था, बट बहुत ही जल्दी मैंने इसका सजा का निर्धारण कर दिया गया। ये समाज को जगाने के लिए काफ़ी होता है। ऐसे जनरली देखते होंगे कि केस इतना लंबा खींच जाता है कि उसका कोई असर फिर मुजरिम पर भी नहीं या नहीं समाज पर आ पाता, समाज उस घटना को भूल जाता है, बट अगर जल्दी जल्दी स्पीडी ट्रायल होती है तो इससे सजा का निर्धारण होने में भी जल्दी होती है, तो समाज में एक अलग संदेश जाता है, एक खौफ। तो ऐसे ही होना ही चाहिए, मैं इसके लिए सभी लोगों का शुक्रगुजार होगा और ख़ासकर अपने सीनियर्स का कि काफ़ी कुछ इसमें, मेरे करियर की पहली मैंने इस तरह का केस था, आपके करियर का पहला केस इस तरह का है। नहीं, इस तरह का केस था, हाँ, जो काफ़ी हीनियस क्राइम है, एक नाबालिग छात्रा के साथ राजगीर जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट पैलेस पे, ये बहुत ही हम लोग के लिए, जिलावासी हम लोग हैं, हम लोग के लिए भी काफ़ी शर्म की बात लगती थी, लेकिन आज
एक मैसेज जाएगा कि नालंदा आज भी न्याय की धरती रही है, पहले से भी आज भी है। अब फिर मैं चलेंगे नवीन जी के पास, इनसे हम जानेंगे कि कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि पुलिस की लापरवाही के कारण, जैसा आपके सहयोगी अधिवक्ता ने बताया कि लापरवाही होती है कि न्याय अब मिलेगा, है ना, और इसमें न्याय कोरोना के कारण डिले थोड़ा हुआ है, लेकिन न्याय बहुत जल्द मिला है। तो क्या लगता है कि इसी प्रकार से और भी केसेस को जल्द से जल्द जजमेंट दिया जाए, जिसमें पुलिस की भूमिका होना अति आवश्यक? देखिए, इस केस को कंडक्ट करने के दौरान हमने देखा कि जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी थे, बरीय कनीय, वो सभी लोग बहुत ही एक्टिव थे, सजग रहे। और केस की ट्रायल, जो स्पीडी ट्रायल होती है, वो स्पीडी ट्रायल पूरी करवाई प्रशासन ने। सभी गवाहों को प्रशासन अपने सुरक्षा में लाकर न्यायालय तक पहुंचाया। उनसे संबंधित अधिवक्ता जो हम लोग काम करते थे, अगर किसी दूसरे काम में भी व्यस्त हैं तो हम लोग को जाकर इन्फॉर्म किया कि मेरा गवाह आया हुआ है। हम लोग भी समझे कि प्रशासन का समय है, कुछ काम को थोड़ी देर के लिए स्थगित करके इस काम को पूरा किया और न्यायालय में जब जब जरूरत हुई ससमय उपस्थित रहे। प्रशासनिक भूमिका इसमें सराहनीय है प्रशासन का। अगर जो इसी तरह से प्रत्येक मामले में, खास करके गंभीर मामले में, मामले जनरली दो तरह के होते हैं, एक आदतन अपराधी लोग करते हैं और एक समाज में हमारे जैसे आपके जैसे कुछ लोग हैं कि भूल बस कुछ गलतियां, कुछ कानून का उल्लंघन हो जाता है, तो दोनों में डिफरेंसेज है। तो जो आदतन अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ अगर प्रशासन, पुलिस पार्टी ऐसे ही एक्टिव रही तो समाज में बहुत हद तक लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और क्राइम रेट भी नीचे गिरेगा, निश्चित रूप से नीचे गिरेगा। अपराधियों के मन में खौफ होगा। जहाँ तक हमारे न्यायालय परिसर में जो अभियोजन पदाधिकारी लोग हैं वो अभी वर्तमान समय में और पहले भी एक्टिव रहते ही हैं, इस केस में सब लोग एक्टिव रहे अपने स्तर से, जहाँ तक हो सका बहुत जल्द निराकरण करने का, बहुत जल्द काम करने का, अपना जो लेवल है उस लेवल से काम का निष्पादन किया, अपने स्तर का कोई भी काम कभी पेंडिंग नहीं रखा। तत्काल जो भी न्यायालय में ज़रूरत हुआ सब लोग पूरी किए, और इस तरह का उम्मीद हम करते हैं कि प्रशासन सहयोग करे हर एक केस का निष्पादन में, तो बहुत हद तक न्यायालय का बोझ भी कम होगा और आम जन, आम नागरिक भी अपने आप को बहुत हद तक सुरक्षित महसूस करेंगे कि न्यायालय से न्याय मिला, त्वरित न्यायालय स्पीडी ट्रायल के द्वारा जो प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाएगा। लोग ये नहीं अपने आप को बेबस लाचार नहीं समझेंगे कि आज मुकदमा किया तो बरसों बरस हम न्यायालय आते जाते रहे, वैसी बात नहीं है। इस केस में कोरोना के वजह से ही विलंब हुआ, न तो कोरोना जो एक महीना अगर जो टाइम मिलता जब से लॉकडाउन हुआ, एक महीना अगर वो टाइम मिलता तो इसका निष्पादन तभी हो गया होता। मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी राजगीर, जहां यह हृदय विदारक घटना घटी थी, जिस प्राचीन राजगृह के शौर्य और पराक्रम की गाथा इतिहास में मिलती है, उस राजगीर को बदनाम करने वाले इन भेड़ियों के लिए यह सजा तो अति आवश्यक थी। तो अब हम चलते हैं राजेश पाठक जी के पास। सर, राजगीर मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी रही है, इसके शौर्य पराक्रम, भक्ति, इतिहास, खुद भगवान भी यहाँ प्रवास पर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस राजगीर में ऐसे मानसिकता के लोग जो अपनी हवस का शिकार नाबालिग बेटियों को बनाते हैं, इस पे क्या करना है? देखिए सर, राजगीर ज्ञान की भूमि रही है, राजगीर ज्ञान की भूमि रही है और इसका एक अपना इतिहास है, और इस तरह के जो घृणित अपराध हैं निश्चित रूप से इसको बदनाम कर रहे हैं, राजगीर की बदनामी हो रही है। और ये पर्यटक स्थल है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं
और इस तरह का अगर संदेश जाएगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कांड होते हैं तो निश्चित रूप से राजगीर की बदनामी होगी और यहाँ पर्यटकों की संख्या भी कम होगी। तो विगत वर्षों में भी पहले भी हम लोग ऐसा देखते हैं कि बहुत से अपराधी, किशोर अपराधी, अपने को किशोर अपराधी मत कहिए उसको, अपराधी जो किशोर होने का बचाव लेते हैं, विगत वर्षों में भी हम लोग काफ़ी इस पर सजग होकर के काम किए और लोगों को सजा दिलवाए और उनको मूल कोर्ट में भेज करके उनको सजा दिलवाई गई, किशोर होने का उनको बचाव नहीं मिला। तो आज नालंदा की बेटी के लिए न्याय का ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में हुए बबुनी गैंगरेप मामले में आज सजा का यानी आज सजा हो गया और इस सजा में सभी सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 5,000 रुपये जुर्माना की राशि भी की गई। जो भी शुरू से लेकर अंजाम तक की बातें थी वो सारी बातें हमने आपको अधिवक्ताओं के द्वारा ही जानकारी दी। जो भी इस केस में ट्रायल चला, जो परीक्षण हुआ, सारी बातें हमने आपको बताई। तो लगातार हम आप तक इसी तरह के अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कीजिए, ट्विटर के माध्यम से हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।